तेलंगाना चुनाव का प्रचार प्रसार जोर पकड़ता नजर आ रहा है। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी यहां जोरों शोरों से प्रचार करते नजर आ रहे हैं। तेलंगाना के आरमून में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगा और साथ ही बीजेपी बीआरएस पर जमकर हमला बोला। चुनाव यहाँ कांग्रेस पार्टी और बीआरएस के बीच में हो रहा है। इकड़ा इलेक्शन लो कांग्रेस की बीआरएस मध्य नहीं, पहले बीजेपी के लोग यहाँ छाती फैला के घूम रहे थे। गत काल की तो बीजेपी वालों को पता हीरो तिरुतने वालों जैसे वो बॉलीवुड वाले हीरो होते हैं, बॉलीवुड हीरो लगा उनको पता भी नहीं लगा उनके गाड़ी के चारों पहिए उतर गए। आज उनके नेताओं की लाइन लगी हुई है कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी लोग रावण की बीजेपी वालों लाइन करते क्यों करते हमें नहीं चाहिए अवसर लेकिन भाइयों और बहनों बीजेपी बीआरएस और एमआईएम एक है। बीजेपी बीआरएस एमआईएम ओकटे एनजेपी मेरे गुटबेटी बीजेपी बीआरएस की यहां मदद कर रही है और बीआरएस बीजेपी की वहां मदद कर रही है। बीजेपी बीआरएस की इकड़ मदद फलतुंदी दिल्ली में बीआरएस बीजेपी की मदद फलतुंदी। आप देखिए मैं बीजेपी से लड़ता हूं आरएसएस से लड़ता हूं नेहरू बीजेपी तो आरएसएस तो निरंतर पोराटम చేస్తున్నాను। मेरे ऊपर 24 केस है ना मीद 24 केसलु पेट्टिनरु। मेरी लोकसभा की मेंबरशिप इन्होंने रद्द कर दी ना पार्लियामेंट सभ्यत्व रद्द చేసిండు। मेरा घर उठा के ले गए ना प्रभुत्व इल्लु నుంచి నన్ను కెట్టేసిండు। और जिस दिन ये घर ले जा रहे थे मैंने उनको चाबी दी कहा कि भैया मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए उठा के ले जाओ। ना इल्लु నుంచి खाली చేసినప్పుడు मुझे इस देश में घर की कोई जरूरत नहीं है पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है। राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में आना चाहते हैं लेकिन उन्हें पार्टी में लेने से मना कर दिया। रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के नेता हीरो की तरह छाती फैला करके घूम रहे थे, आज कांग्रेस पार्टी में आने के लिए उनके कई नेताओं की लाइन लगी हुई है। तेलंगाना में बीजेपी के नेता घबराए हुए हैं, वे फोन करके कह रहे हैं कि हमें बीजेपी में शामिल कर लो लेकिन हमने कहा हम नहीं शामिल करेंगे। videodeskamarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।